कहेंगे 30 सेंटीमीटर बराबर कितने इंच होते हैं? बिल्कुल सिंपल है, किसको बदलना है उससे क्वेश्चन पूछे सेंटीमीटर को, तो एक सेंटीमीटर बराबर जिस यूनिट को बदलना है उसका एक का वैल्यू दूसरे यूनिट में कितना होता है, पहले ये रिलेशन लिख दो, ये आपका रिलेशन फिक्स रहेगा। एक सेंटीमीटर बराबर यह रहता है आपका 1/2.54 इंच। अब इस ए की जगह हमें कितना चाहिए, 30, तो हम क्या कर देते हैं इसको 30 से गुणा कर देते हैं। 30 से गुणा करने पर ए गुणा 30 कितना गया, 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ए गुणा 30 नीचे बट्टे में कितना पड़ा है 2.54, ये इंच है तो इंच। मैं क्या करता हूँ 30 भाग 2.54 कर देता हूँ, तो ये कितना गया 11.811। आगे 0, 2, 3 आ रहा है जिसको मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो ये आपका इस प्रकार से हमें आंसर मिल जाता है। समझे क्या? तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।